पहले तो मैं हाथ जोड़ के सब जितने मीडिया वाले आए हैं उनको थैंकफुल बोलता हूँ, और बप्पा जी विराजमान है यहाँ पे, वो आए हैं हमारे यहाँ, इको फ्रेंडली गणपति हैं और 25 फिट के गणपति हैं। सबको पहले बोलो गणपति बप्पा मौर्या। अब मैं आपको अपनी छोटे से एक कहता हूँ, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं क्योंकि वो इतने बड़े हैं और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं उनकी पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बट पता नहीं क्यों पिछले साल हम लोगों ने, क्योंकि कोविड की वजह से सबको पता था कि आने वाले समय में पप्पा का कोई अरेंजमेंट नहीं था कि उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। पिछले साल जब कोविड हुआ तो सब लोगों ने एक स्मॉल बप्पा की मूर्ति स्थापित की, बहुत छोटे उसमें, कि चलिए बप्पा का आगमन है, उनको बुलाना है सभी लोगों ने। अब जब कोविड ख़त्म हुआ तो सब लोगों को ये पता चला कि आने वाले समय में जो प्लास्टर के इको फ्रेंडली वो गणपति बनते हैं वो जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट उस पर एक अध्यादेश ला रही है, उसको यानी एक ऑर्डर पास कर रही है जिससे कि आने वाले समय में प्लास्टर का गणपति बप्पा आगे लोग नहीं रख पाएंगे। अब मेरे एक फ्रेंड हैं शंकर दरवेश करके, उन्होंने वो मेरे पास आए ऐसे ही डिस्कस करने लगे मुझसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरुण जी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों में एक अलग यूनिक चीज़ जाए। तो मैंने कहा आप ट्राई करिए, अगर कुछ होता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। उन्होंने एक ऊना से जो जिन्होंने बप्पा को बनाया है, जिनकी मेहनत है, जिनका सब कुछ है, उनको मेरे पास वो लेके आए। उन्होंने मुझसे बोला, उनसे मुझे मिलवाया, तो वो कहने लगे कि मैं इको फ्रेंडली गणपति बनाता हूँ और मैं आप जितने चाहेंगे उतने बड़े गणपति बप्पा बना देंगे। तो मैंने उनको बोला इको फ्रेंडली तो बहुत छोटे गणपति बनते हैं और हमारी इच्छा है कि हम तो बप्पा को विशाल रूप में देखना चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बताइए, हम वैसे ही बना सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया, उस समय हमारे पास टाइम बहुत कम था, एक मंथ हमें बचा हुआ था, तो हमने उनसे डिस्कस किया, फाइनल हुआ। उन्होंने वो आए, उन्होंने 24 फीट के गणपति 26 दिन में पिछले साल बनाए, जो मुझे भी देख के, मुझे क्या गवर्नर साहब कोश्यारी साहब इज़ कमिंग, उनके हाथ से ही हमने इनका पर्दा ओपन करवाया था, तो उन्होंने देखा तो उनको भी ये लगा यार इतने बड़े गणपति। उन्होंने मुझे बोला कि अरुण ये वाकई में इको फ्रेंडली गणपति है। मैं कहा सर आपके सामने है जो चीज़ लगी है वो आपके सामने है, हमने इनको यहीं पर बनाया है और जब ही ये विराजमान हुए और यहीं पर हम इनका विसर्जन करेंगे। तो उनके बाद फिर और बहुत सारे मंत्री नेतागण यहाँ पे आए, काफ़ी सेलिब्रिटी आए, उन सब ने भी देखा, सबको बड़ा अचंभा हुआ। तो ये हुआ कि फर्स्ट बार इतने बड़े गणपति बने, हमारे जो बुमरैंग के लोग थे, हमारी सोसाइटी के जो लोग थे, उन सब ने मिलके इनको बनाने के लिए हमें सपोर्ट किया, तो ये बने। अब हमने पिछले साल ही एक प्लानिंग कर ली थी कि हमने इस बार इनसे बड़े बनाए। अब इस साल भी हमने पहले पिछले साल से ही हमने पूरा प्लानिंग कर लिया था, इस बार भी हमने एक महीने पहले इनको बनाना शुरू किया और एक महीने में उस इंसान ने इनको 24 से 25 फीट बनाया। पिछले साल हमने 24 फीट के गणपति बनाए थे और इस बार हमने 25 फीट के गणपति बनाए, जो वर्ल्ड में अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है। हमारा नहीं, ये बप्पा का रिकॉर्ड है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं, और 25 फीट के इको फ्रेंडली गणपति उन्होंने बनाए और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी आके उसको वेरीफाई, उसने सब जगह वेरीफाई किया और उसके बाद उसने अपने ही कैलकुलेशन से वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े बप्पा का हमें अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस दिन हमने इनका पर्दा ये किया, वो बाकायदा राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं ज्ञानेश्वर महाराज, वो यहाँ पर आए और उस दिन राम का दिन था, बप्पा का सेम राम का रूप था और वो आके उन्होंने ये किया। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप सब मीडिया वाले जानते हैं
कि हम लोग एक छोटे से निमित मारते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ये तो इच्छा उनकी थी तो ये हम बना पाए। और हमारे साथ वो मूर्तिकार, मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका रिगार्ड करता हूँ कि उसने बाकायदा साक्षात भगवान को यहाँ पे लाके बिठा दिया। सबसे बड़ी बात है, ये बिल्डिंग अपने आप में सबसे बेस्ट बिल्डिंग है और रशीस कनकिया ने इस बिल्डिंग को बनाया है। कनकिया रशीस जी भाई ने मुझे इसमें सपोर्ट भी किया है और यहाँ के लोकल जितने भी हमारे ऑफिसेज यहाँ पे हैं उन लोगों ने भी हमें मदद की है। मुझे बॉम्बे में जब मैं इनको बनाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमारी सपोर्टिंग में हमें कोई ऐसा नहीं था कि हमें बाहर का कोई सपोर्टिंग आया। मैंने मुझे नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ ये सोच के इनको बनाया है कि हम भगवान का नाम लेने जा रहे हैं और बप्पा को हमें यहाँ पे स्थापित करना है। बॉम्बे के लोगों ने, अब आपके मीडिया के माध्यम से आप तो सब दुनिया में देखे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले पिछली बार भी जब मैंने बात की थी तो मुझे उम्मीद है कि लोगों तक ये बात जाएगी। जैसे मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ कि घर घर मोदी, ऐसे घर घर इको फ्रेंडली, अगर ये चीज़ हम आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं। देखिए मेरा बेटा है, इज़ एजुकेटेड, ऑल पर्सन इज एजुकेटेड है, उनके बच्चे उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पर क्या है कि इन बच्चों को हम कहते तो हैं कि हम आपको पर्यावरण से ये करेंगे, मोदी जी इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, पर हम लोग अभी तक भी उस चीज़ को सोच रहे हैं। जो हालात आज उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल में देखिए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखिए, वो प्रॉब्लम इसी वजह से है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो फिर पूरे वर्ल्ड के लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है और मेरी सोच यही है। अभी आने वाले समय में 28 तारीख को खान साहब इज़ कमिंग गवर्नर ऑफ केरला, उनका कन्फर्मेशन हमारे पास आ गया है, उनके हाथ से हम यहीं पर उनका विसर्जन कराएँगे। और ये सारे मीडिया को मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो आने वाले हैं, आप समझिए कि वो उनको वो इतने प्रभावित हुए, इतने ये हुए कि उन्होंने इतने उनकी ये लगी कि उन्होंने बोला नहीं मैं आता हूँ और मैं आके खुद अपने हाथ से विसर्जन। तो आप सोचिए कि देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई जात पात धर्म भेद कुछ नहीं रह गया। जब वो चल के यहाँ केरला से यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जितने लोग मुंबई में हैं वो आके देखें, मंडल जितने मंडल हैं उनको मैं बोलता हूँ कि वो आके देखें कि हमने वो चीज़ बनाई है। तो जब हम बना सकते हैं तो सारे मंडल क्यों नहीं बना सकते, पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं बना सकता। और एक पहल से सारी दुनिया में वो चीज़ जाएगी कि यार जब हम इको फ्रेंडली बना सकते हैं, हम पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं तो दूसरे लोग भी सोच सकते हैं। तो मेरी यही एक गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि जितने लोग देखेंगे या जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ आपके माध्यम से कि वो आएँ और देखें कि वाकई में हमने इको फ्रेंडली गणपति इतने बड़े बनाए हैं जो वर्ल्ड में हमारा नाम गए। Only thing I would say, Ganpati Bappa Moriya, and I'm happy that आप सब आए हैं और I hope आपको अच्छा लगा हो देख के पापा, and I hope that he gives you his blessings to you all, and बस सब पापा ने बोल दिया वही बहुत है। तो उनकी बातें आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं एंड आगे चलते रहेंगे, लाइक वील कीप ऑन मेकिंग पापा द ईको फ्रेंडली। आने वाले साल में 25 फीट है, जगह कम पड़ जाएगी, क्या प्लान्स रहेंगे, बिकॉज अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। जी अभी देखिए, हम जब तक ये ऊपर तक टच नहीं होंगे हम इनको यहीं तक ये करेंगे, फिर आगे देखते हैं पप्पा की जैसी इच्छा होगी। हमने हर साल रखना है, जब तक मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक सिस्टम बनता है, आज इतने बड़े बड़े मंडल बने,
जब तक कल को और चीज़ें होती रहें, मैं नहीं करूँगा तो यहाँ के लोग करेंगे। मेरी तो दिली इच्छा है कि जब तक मैं रहूँ बप्पा को और बड़ा बनाता चला जाऊँ, जिससे कि आने वाले समय में लोगों के दिमाग में ये रहे और वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति बनाए और घर घर अपने लेके जाए। देखिए लोगों ने मुहिम, बहुत सारे लोगों ने मुहिम शुरू की थी, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो लोग नहीं बोलते हैं। आई इन्वाइटेड कुछ लोगों को, मैंने इन्वाइट किया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की, पर उन्होंने मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लोग पर्यावरण के लिए बात करते हैं, मैं उन सब से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बाद में जाके रोड पे सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर आप अगर इस चीज़ को एक माध्यम बना के, क्योंकि बप्पा चाहते हैं मेरे मुंह से ये कहलवाना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल इंडस्ट्री के लोगों से, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपनी तरफ से इसमें इस सपोर्टिंग लेके ये बोलें, तो डेफिनेट है कि जितने भी बप्पा हमारे देश में है, विदेश में है, कहीं भी आते हैं, अगर वो इको फ्रेंडली बने तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आने जो चीज़ बनने के बाद उसका इस्तेमाल भी होता है, हम लोग उसको उस पूरी रो को हम खेतों में ये भी देते हैं, उसमें हमें कोई, और उसकी उपज भी अच्छी होती है, ये रियली फैक्ट है। आप लोग कोई भी है, और मैं कहता हूँ कि हम इनका एक छोटा सा विभाग अपने पास रखते हैं तो हमें दिली खुशी होती है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो लोग सच्चे दिल से, लोग बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ सच्चे दिल से, जो यहाँ से मांग के जाएगा उसको 100% मिलने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो साथ साथ बैठे हुए हैं यहाँ, वो विराजमान है, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सर क्या वजह लगती है आपको कि लोग इको फ्रेंडली गणपति के बारे में बात तो ज़रूर करते हैं पर अपनाने के लिए कतराते हैं? क्या रीज़न, आप मानते हैं, आपका क्या अनुभव है उसके पीछे? सर वैसे मुझे जो मालूम या पता चला, उससे ये आइडिया मेरे, जो मुझे कैलकुलेशन लगी लोगों की, कि उनके जो एक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट या कुछ है कि इनके प्राइस रेट्स में डिफरेंसेस है, और उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि इको फ्रेंडली से क्या फ़ायदा है, ये अवेयरनेस है ही नहीं है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। कुछ लोगों ने मुहिम चलाई थी पर बीच में फिर ये ऐसा माहौल बना के ज़्यादा लोग उसको ये नहीं कर पाए। अभी छोटे छोटे गणपति अपने घर में लोग रखते हैं, इको फ्रेंडली भी रखते हैं, पर इतने बड़े गणपति इको फ्रेंडली बनते हैं ये अवेयरनेस नहीं है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अगर इस तरह की सोच बनाएं और सभी लोग इको फ्रेंडली गणपति मंडल में लेके आएं, तो डेफिनेट है कि वो सभी के लिए फायदेमंद है। गणपति को हमारे देश में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, साल भर लोग इंतज़ार करते हैं, छुट्टियां लेते हैं, आपको नहीं लगता कि शायद एक वजह हो सकती है जो गणपति बप्पा को लाने का और ले जाने का जो प्रोसेशन है, जो डिस्को है, जो डांस है, जो आनंद है, वो नहीं मिल पाता, शायद इसलिए वो लोग ये नहीं करते होंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं कहता हूँ कि वो आनंद है, वो आनंद हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। आप किसी पंडाल में डांडिया करते हैं, माता जी को लाते हैं, वहाँ पे भी वो विधि विधान से इतना अच्छा, इतने लोग आते हैं, इतना क्राउड होता है, तो वो हम कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको बनाएंगे वहाँ पे विसर्जन भी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हल होती है उससे, आपको रोड पे नहीं जाना है, आपको समुद्र के अंदर नहीं जाना है, आपको लोगों को क्रैश, जो लोग डूब के मर जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। दूसरा, बाद में वो समुद्र के बाहर आके बहुत सारी चीज़ें बप्पा की पड़ी होती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप उनको ले जाना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली भी ले जा सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये विसर्जन के लिए कंप्लीट होगा। वो विसर्जन का है जे, आपको पता है प्लास्टर का काम आपको भी मालूम है, अगर वो विसर्जन हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर पर्यावरण की बात है, कल को आप देखिए कब तक हम उसमें ये करते रहेंगे, उससे जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर हैं वो भी तो मरते हैं ना, उनको भी तो प्रॉब्लम होती है ना, उनकी भी तो तकलीफ है। और ये फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल है कि हम कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है कि हम उनको भेजें। हम जब एक बार उनको ले आते हैं और लास्ट दिन जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुख होता है, पर हमारी मजबूरी है कि ये विधि का विधान है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उल्लास या वो कमी होगी, बल्कि उससे ज़्यादा होगा। पब्लिक आके एक जगह पंडाल में देखती है,
पंडाल तो सभी जगह लगते हैं ना, ऐसा तो वो बाद में रोड पे निकलते हैं सब लोग उनकी तो देखने के लिए वो सभी जगह जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है कि भाई अगर उनका वो उल्लास का वो और बढ़ जाएगा। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि उनके सामने अभी हम विसर्जन करते हैं तो हम सामने विसर्जन करेंगे, हम दिखाएंगे, कुछ समय हम दिखाते हैं तो वो विसर्जन लोगों को दिखता है ना। वहाँ पे समुद्र के अंदर कितने लोग जाते हैं बताइए, जो लोग लिमिटेड लोग हैं वही लोग वहाँ जाते हैं, उसके अंदर और लोग तो जा नहीं पाते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखिए मानना ना मानना तो सब उनकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच ये है कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो दूसरे लोग भी। अभी आपने बहुत एक अच्छी बात कही, पप्पा से यहाँ से हम जो भी सच्चे दिल सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं को हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। आपको नहीं लगता इस बार की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि सभी लोग अगले वर्ष से इको फ्रेंडली गणपति लाएं? सर मैं एक छोटा सा स्लोगन बोलता हूँ कि घर घर मोदी तो घर घर इको फ्रेंडली गणपति। आई रिक्वेस्ट यू, मैं सबके उससे बोल रहा हूँ कि मेरी एक पर्सनल अपनी थिंकिंग है कि होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए कि आज का जो समय है वो ऐसा है कि हम अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, पर बात करते हैं हम एक, देखिए ये हमारे देश में एक है, एक आदमी आगे बढ़ेगा तो सब लोग उसके पीछे चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर मैं चलाऊँ तो सब लोग मेरे साथ चलें। थैंक यू। हाँ वो लोग आ गए, वो सब आ गए। लेकिन पौधे मत करो उसके। सरजी आप यहाँ आए आज गणपति बापा के इतने पावन दिन चल रहे हैं, टॉलेस्ट गणपति इन द वर्ल्ड राइट नाउ रिकॉर्डेड ऑन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 25 फीट और इको फ्रेंडली, क्या कहेंगे? मुझे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पापा के दर्शन करने आया हूँ। दूसरा जो मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी मुझे जब पता लगा था कि भी इको फ्रेंडली है और टॉलेस्ट है, तो मैंने जो सबसे पहले बचपन में टॉल गणपति देखी थी वो वी शांताराम जो लेट राजकमल स्टूडियो वाले थे वो लेके आते थे, हम स्कूल में थे तो हम रोड पे खड़े रहते थे कि यहाँ से जाएगी, तो 1 बजे चलती थी और कुछ 4-5 बजे पहुँचती थी बॉम्बे सेंटर से। उसके बाद मुझे जो याद आई उनकी कि यार ऐसी गणपति सिर्फ वो लेके आते थे ट्रक के ऊपर, और जब ले जाते थे विसर्जन को तो पूरी रात निकल जाती थी, पहुँचते पहुँचते चौपाटी सुबह हो जाती थी। तो सीधा चाइल्डहुड मेमोरी में गया मैं कि भाई एक तो इको फ्रेंडली और ऊपर से टॉलेस्ट, अभी ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में, एंड देन बापा का आशीर्वाद, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। और आज मेरे पास एक वीडियो आई है उसमें अमेरिका, युगांडा, ताइवान, स्पेन, USA सब जगह अपना गणपति बापा के साथ लोग नाच रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, मतलब ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल हो जाएगा जिस हिसाब से। आई वाज शॉक्ड कि बार बार मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है बापा के फॉलोअर। आई थिंक बापा जो है वो सारे गॉड के स्टार हैं, बिगेस्ट स्टार। सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ कि वो बप्पा के दर्शन करने आए, और मैं उनसे यही कहूँगा कि ये बप्पा ऐसे हैं कि आप जो दिल से मांगोगे वो आपको मिलेगा, और रियली मैं उनका थैंकफुल करता हूँ कि वो इसके साथ। यार बापा ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, अब तो एक ही चीज़ मांगते सुबह उठ के कि तंदुरुस्ती रहे, बस बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है यार। वो भी मिलेगा, सुबह उठ के बोला यार हाँ उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, तो ये बापा की मेहरबानी रहे और क्या चाहिए। और ये समझ में आती है बड़ी देरी से, कोई पैसा मांग रहा है, कोई नाम मांग रहा है, कोई सुबह उठने की ताकत होगी तो सब आ जाएगा, बेड पे ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा। ये समझ में आया कि अल्टीमेटली जो है मांगना है तो तंदुरुस्ती मांगो, तो उसमें सब मिलते ऑलरेडी दिया हुआ सब कुछ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें बुलाया। ये
ये जो एक ये प्रतिमा जो है ये ऑलरेडी जैसा कि आप सब जानते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, 25 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और मैंने ऑनेस्टली अपनी लाइफ में इतना बड़ा गणपति कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक स्थल है और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात से कि मैं आ पाया यहाँ पे, आप सब लोगों से मिल पाया और पापा के दर्शन हुए और एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू अरुण जी फॉर हैविंग मी हियर विथ यू। नमस्ते, मेरा नाम है तस्नीम और मैं बहुत आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हियर एंड थैंक्स अ लॉट अरुण शर्मा जी को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और बहुत सुना था तो देख लिया एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर और पापा के दर्शन हो गए। गणपति बाप्पा। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लाल शाह जो लाल बाग का राजा थे उसके हिसाब से इतनी बेहतर। दूसरी बात है कि हर साल ये आता रहता है तो अभी आपको ये प्रॉमिस देना है कि हर साल मैं आऊँ। एंड अदर थिंग इज दैट कि ये इसका जो महिमा है वो इतना कमाल है कि आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो जितना ही इसका स्तुति करे तो यही कहूँगा जय गणपति बाप्पा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अरुण सर का थैंक्स बोलता हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मैंने लिटरली बॉम्बे में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मूर्ति मतलब कि देखी है कि जो इको फ्रेंडली है और गिनीज बुक में नाम भी आया, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है बॉम्बे के अंदर और काफ़ी ब्लेस फील कर रहा हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को साक्षात भगवान को देखने का मौका मिला यहाँ पे और काफ़ी कुछ मैंने मांगा। अब ऐसा लग रहा है अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है कि पूरी हो जाएंगी वो चीज़ें। अगले साल ज़रूर बताइए आपकी इच्छा पूरी हुई है। जी जी बिल्कुल, अभी से उन लग के फ़ोन तो अभी आ गया नेक्स्ट शो का एक। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी देखा था बट लास्ट टाइम इट वॉज 24 फीट का गणपति को करके और इस बार जो ग्रेस है ना वो 28 फीट सुन के ही लगते हो, थोड़ा सा ये लगता है कि इट्स सो ह्यूज। और अरुण जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारे तो खैर बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, बहुत सालों से 10-12 साल से हम लोग रखूं
पर ये विधि का विधान है कि वो हमारे बीच आके और वो बोलते हैं चलिए अब हम चलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणपति बापा